आप लोग बताइए, कोई आप लोग का काम बिना घूस दिए होता है क्या? कोई काम? ये बड़ा वीडियो साहब, चिराग पासवान। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। देखिए किस तरह से चिराग पासवान जी गोपालगंज में लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं। वह गए थे मिलने के लिए उन परिजनों से जिन्होंने अपनों को जहरीली शराब में खोया था। देखिए वह किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें संवेदना दे रहे हैं। उठा के मोबाइल खींचिए ना, उठा के ऊपर पहे, ऊपर पहे, उठाइए पासवान। उसके बाद उन्होंने तुरंत वहां के वीडियो को कॉल लगाया और उन्हें बोला इन गरीबों को इनका हक तो कम से कम दे दीजिए। देखिए वह क्या कुछ बोल रहे हैं। नहीं पर जैसे लोग, जैसे मजदूर लोग थे उसका कुछ, यहाँ पे जो परिवार की जो जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको अभी तक उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। कम से कम इतना तो करवा दीजिए भाई, जो इन लोगों का हक है उतना तो कम से कम इनको दिलवाना शुरू कीजिए। आप आए हैं बीडीओ साहब, आप आए हैं परिवार वालों से मिले हैं नहीं मिले हैं? नहीं तो एक बार फिर से आ जाइए। परिवार में जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको देखिए कि उनको पेंशन वेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मजदूरी का काम कर रहे थे उसके आधार पर क्या पेंशन हो सकती है? जो पारिवारिक लाभ है उसके माध्यम से क्या आप लोग करवा सकते हैं? ये दोनों तीनों चीजें तो कम से कम करवा दीजिए ना पहले। क्या चीज़ श्रम विभाग के द्वारा जो मजदूर होते हैं उनको भी लाभ दिया जाता है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, वो तो कम से कम दिलवाइए ना। एक बार आ जाइए बीडीओ साहब, आइए परिवार से एक बार आके मिलिए, परिवार में देखिए कि किसको क्या क्या उचित लाभ मिल सकता है सरकारी योजनाओं के तहत। कम से कम वो सारे लाभ दिलवाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? एक बार आ जाइए मिलिए परिवार से। कल बस नीतीश कुमार को नहीं पता, उनको नहीं पता कि खुलेआम मिल रही है, बाकी सब जानता है कि खुलेआम यहाँ पे शराब सब जगह मिलता है और पूरे प्रदेश का ये हाल है। एक जगह एक जिला का नहीं, पूरे प्रदेश का ये हाल। कल को जब ये लोग वोट मांगने आए तो ये दिन हम लोग को याद रखना है भैया जी, किसकी गली में कौन खड़ा था और आज हम लोग का कौन साथ है भाई। ये लोग तो आज जब उनकी गाड़ी है इल्जाम भी अभी लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। कितनी जगह हम गए हैं जहाँ पे जाकर घर के लोगों को घर से बाहर निकाल कर, महिला बच्चा लोगों को बाहर निकाल कर घर पे ताला लगा के घर को सील कर दिया, घर के लोगों को घर में नहीं जाने दे रहे। तो ये तो इन लोगों का काला कानून है, ये इन लोगों का शासन प्रशासन का तंत्र है। तो हम लोग को भी ये सब याद रखना चाहिए कि आज जब हम लोग को जरूरत है, बच्ची लोगों की शादी है, कहाँ मुख्यमंत्री खड़े हैं? कहीं नहीं। इन लोगों का मंत्री लोग कोई नहीं सुन रहा। आज जब हम लोग को जरूरत है बच्चा लोगों को पढ़ाने की, परिवार का एक कमाऊ आदमी ना गया है तो उसकी जगह सरकार को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी भी बनती है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी बनती है कि भैया सही बात है, एक कमाऊ आदमी गया है, आप दीजिए उसकी जगह नौकरी देना तो दूर की बात है। जो पारिवारिक लाभ मिलना चाहिए वो लाभ ये लोग हम लोग को नहीं देता। जो मुआवजा हम लोग का हक या अधिकार है वो मुआवजा हम लोग को नहीं देता। जो मजदूरी कर रहा है उसको लेबर अधिकार है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और इन तमाम बातों पर प्रशासन खामोश है, पर आप लोग की तरफ से इस बात को हम रखेंगे मजबूती से। पर आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, सिर्फ ये लोग भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप लोग बताइए कोई आप लोग का काम बिना घूस दिए होता है क्या? तो आपने देखा किस तरह से चिराग जी लोगों के बीच गए, उनकी संवेदना सुनी और उन्होंने बोला सरकार से हम इसके लिए लड़ेंगे और आपका हक हम लेकर रहेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया, उन्होंने बोला सभी को पता है कि शराब बिहार में मिल रही है मगर नीतीश कुमार को नहीं पता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।